हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार मदनी से, जो कि 689 सीट पर भर्ती आई थी। इसका 14 मई को रिटर्न एग्ज़ाम करवा लिया गया है। एग्ज़ाम किस ढंग से करवाया गया, क्वेश्चन वायरल हुआ है या नहीं हुआ है, कितने लोग इस एग्ज़ाम में बैठे थे देने के लिए, कितने लोग एब्सेंट थे, इस बार जैमर की भी व्यवस्था थी, तो जैमर ऑन था या ऑफ था, बहुत प्रश्न आ रहा है मन में। कई लोग ब्लूटूथ भी लेके गए हैं, है ना, डिवाइस लेके गए हैं, तो इसमें हम आपको सभी कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो आपने प्रश्न, जितना भी प्रश्न पूछा है कमेंट में, लगभग हम आपके सभी प्रश्न का जवाब इस वीडियो में ही देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, आपके सभी प्रश्न के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, है ना। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार मध्य निषेद का रिटर्न एग्जाम था, जो कि 689 सीट पर भर्ती आई थी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए थे। तो टोटल फॉर्म फिल हुए थे 3,65,000 लगभग फॉर्म भरे गए थे। और एग्ज़ाम सेंटर में जो आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, वो कितने कैंडिडेट आए थे, तो ये आए थे 2,55,000 लगभग 2,55,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम में आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। इसमें इतना अंतर क्यों मिल रहा है देखने को, क्योंकि देखिए बहुत से एब्सेंट भी थे, है ना, एब्सेंट थे, एग्ज़ाम देने नहीं आए थे, कोई कारण बस होगा। और कई लोग इस कारण भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे था, और 9 बजे जो है गेट लग गया था। और जो रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे और 9 बजे के बीच में एंट्री लिए, उन्हें एंट्री मिली है, और जो 9 बजे के बाद उन्हें एंट्री नहीं मिली है, जो सोच रहे थे कि 9 बजे के बाद जाएंगे, क्वेश्चन वायरल होगा, हम थोड़ा पढ़ लेंगे फिर अंदर एंट्री करेंगे, तो दोस्तों गेट लग गया था और 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिली है। किसी किसी सेंटर पे 9-10 पे भी अंदर कर लिया गया, लेकिन बहुत से ऐसे सेंटर हैं जहां एंट्री नहीं मिली है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, देख सकते हो, है ना, एंट्री नहीं मिली है। और क्वेश्चन वायरल हुआ है कि नहीं, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है, बिल्कुल भी वायरल नहीं हुआ है, आप विश्वास करें, क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है इस बार। और CSBC लगभग 3 एग्ज़ाम करवा चुकी है, जिसमें बहुत धीरे धीरे उसमें मतलब कि सुधार कर रही है, और क्वेश्चन वायरल ना के बराबर हो रहा है। आप देख लीजिए, आप मध्य निषेध जो कि 76 सीटों पे आई थी, उसमें भी क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ था, है ना। अब देखिए, जब एंट्री कर लेते हैं ना 9 बजे, जैसे कि उस समय 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और 10 बजे जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, तो 10 बजे अंदर जाने के बाद जब क्वेश्चन वायरल होता है ना, वो वाला वो उसे नहीं मान सकते, है ना, क्योंकि एंट्री मिली नहीं है। तो आप क्या 10 बजे के बाद जाओगे एग्ज़ाम देने, नहीं ना, तो 10 बजे एग्ज़ाम चालू होने के बाद जो आउट हुआ है उसका कोई वो नहीं होता। लेकिन ये है कि उस समय क्वेश्चन आया था, लेकिन सब बच्चे एंट्री ले चुके थे, है ना, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और इस बार तो बिल्कुल भी, जो 689 सीट पर भर्ती आई, इसमें बिल्कुल भी क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, ये विश्वास कीजिए। और अब बताते हैं आपको कि कैसा क्वेश्चन था। तो देखिए, क्वेश्चन हार्ड भी नहीं कह सकते और इतना आसान भी नहीं कह सकते। 50% ऐसे प्रश्न थे जो कि सही थे और अच्छे 10th लेवल के अकॉर्डिंग पूछे गए थे प्रश्न, लेकिन 50 ऐसे भी प्रश्न थे जो हार्ड थे, जैसे कि आपका NDA में वो प्रश्न आया हुआ है, CDS, इन सभी बड़े बड़े एग्ज़ामों में वो प्रश्न आते हैं, और जो कि बिहार मध्य निषेध जो कि कॉन्स्टेबल रैंक की भर्ती है, इसमें वो प्रश्न पूछे गए हैं, तो हार्ड भी था ये हम कह सकते हैं। और रिज़ल्ट कितना आएगा, तो रिज़ल्ट इसका 5 गुना आएगा, भर्ती है 689 और इसका 5 गुना हो जाएगा आपका 3,445 लगभग, हाँ इतना ही होगा, 3,445 जो है आपका रिज़ल्ट जारी होगी। और इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है, सबसे बड़ी बात। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है, जैमर जो लगा था कहीं कहीं बंद भी था जैमर, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन ऐसे कई कॉलेज हैं जहाँ जैमर ऑफ नहीं हुआ था, ऑन था, है ना, और किसी किसी कॉलेज में तो 9:30 बजे जैमर ऑन हो गया था। तो कट ऑफ कितना जाएगा इस बार, कट ऑफ नहीं जाएगा अधिक, लेकिन इतना मान के चलिए कि अधिक तो नहीं जाएगा, उतना कम भी नहीं जाएगा। कितना कट ऑफ जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम का, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, सही और सटीक कट ऑफ देने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है, यकीन मानिए दोस्तों, हम जो भी आपको कट ऑफ बताएंगे रिटर्न एग्ज़ाम का, वही कट ऑफ रहने वाला है। थोड़ा सा वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का हमारा, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब हम कट ऑफ की वीडियो अपलोड करें ना, तो आपको उसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो सही और सटीक कट ऑफ बताएंगे, विश्वास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 100% मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।